जय हिंद दोस्तों। दोस्तों शनिवार को चाइना और ईरान ने एक पैक्ट साइन किया और इस पैक्ट के तहत अगले 25 वर्ष में चाइना $400 बिलियन 400 अरब यूएस डॉलर का निवेश करेगा ईरान में। बहुत बड़ी राशि है। जो हम बात करते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की, उससे कई गुना ज्यादा की राशि है। और मेरा यह मानना है कि यह जो हुआ है वो चीन को एक और देश में एक तरह से बेस मिल गई है कमाने के लिए भी, उसके रिसोर्सेस को उपयोग करने के लिए भी और मिलिट्री एक्सपांशन के लिए भी। उसके पीछे यदि कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो अमेरिका की मूर्खतापूर्ण कूटनीति। इंटरनेशनल कूटनीति में बहुत कुछ किया जाता है लेकिन यदि मूर्खता करते हैं तो उसका परिणाम भी वैसा ही आता है। और मैं चूंकि चाइना से नफरत करता हूं, हमारा दुश्मन देश है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि चाइना को कहीं भी और एक्सपांशन का मौका मिले, लेकिन होता हुआ दिख रहा है और इसके पीछे केवल अमेरिका है। देखिए, हमको नहीं भूलना चाहिए कि जिस प्रकार से अमेरिका ने ईरान के ऊपर कई वर्षों से सैंक्शंस लगा रखे हैं, उसकी वजह से ईरान की इकोनॉमी लिटरली क्रम्बल हो चुकी है। लगभग यदि हम उसकी करेंसी की बात करें तो उसकी एक जो उनका एक डिनोमिनेशन है करेंसी का, उसमें लगभग 550 रुपये आ जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा डीवैल्यूड करेंसी है। और बीच में तो उनको ये करना पड़ा था कि ऐसा नहीं स्थिति बने कि बोरे भर भर के लोगों को साधारण चीजें, ब्रेड हुआ, गेहूं हुआ, सब्जी भाजी हुई, ये लेने के लिए बोरे भर के पैसे नहीं ले जाना पड़े। इसके लिए उन्होंने दूसरी एक और करेंसी निकाली थी अपनी ही करेंसी से लिंक करके, ताकि बड़ा डिनोमिनेशन आ सके। तो यह सब चीजें बन गई ईरान में सैंक्शंस के कारण। और लगभग 50% आधी जनसंख्या उनकी गरीबी में रहती है। तो इन सब चीजों के चलते चीन की गिद्ध दृष्टि बहुत लंबे समय से थी ईरान के ऊपर, और कई सालों से उसने ऑफर दिया था इस प्रकार के पैक्ट का कि वो निवेश करेगा और एक तरह से अलाय बनाएगा ईरान को। लेकिन ईरान उसको देख रहा था, चीजों को टालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मुझे अब लगता है कि उसने इवन बाइडन का भी इंतजार किया कि जो बाइडन के आने के बाद हो सकता है कि स्थिति परिस्थिति वैसी नहीं रहे जैसे डोनाल्ड ट्रंप के समय थी। और जब लग रहा है शायद उसको कि स्थिति नहीं सुधर रही, तो जिसको कहते हैं मरता क्या ना करता, क्योंकि जिसकी जेब में पैसा नहीं होता है वो सब तरफ देखता है, तो शायद उसको यह साइन करना पड़ा। अब इसको आप ये समझिए ना कि अमेरिका की कितनी बड़ी कूटनीतिक विफलता है यह, कि जिसकी वजह से चाइना को उस क्षेत्र में, मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में, अरब वर्ल्ड में एक तरह से पैर फैलाने की जगह मिल रही है। जो क्षेत्र हमेशा अमेरिकन एक तरह से कहते हैं हेजमनी वाला एरिया था, वहां पर आज चीन आगे बढ़ता जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि चाइनीज जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग घई ने ईरान के साथ ये पैक्ट करने से पहले सऊदी अरब का दौरा किया, तुर्की का किया, आगामी आने वाले दिनों में उनका जो दौरा है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी होने वाला है, ओमान में भी होने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, एक एक करके एक्सपांशन करने की सोच रहा है और काम कर रहा है उस नीति पे चाइना मिडिल ईस्ट में भी। और अब सऊदी अरब की जब सबसे बड़ी ऑयल कंपनी सऊदी अरामको ने यह कहा कि वह चाइना में अगले 50 वर्ष तक के लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टर के रूप में चाइना को देखता है। और मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो पहले बताया भी था कि किस प्रकार से जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं सऊदी अरब की, वो टोटली मेड इन चाइना है, जो उन्होंने चुपके चोरी ले रखी है चीन से। तो आपको ये दिख रहा है किस प्रकार से चाइना का एक्सपांशन हो रहा है उस क्षेत्र में जहां अमेरिका की हेजमनी हमेशा रही है। और अभी भी अमेरिका चाहे सऊदी अरब को परेशान करके, चाहे उनके ऊपर जो वेपन्स है उनके ऊपर स्क्रूटनी करके, चाहे F-16 के सप्लाई जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को है उसकी वापस से एक बार और री इवेल्यूशन करके अपने दोस्तों को दूर करता जा रहा है। और बहुत सारे देश जो चीन को पसंद नहीं करते, आप देखिए शिनजियांग में जो चीन कर रहा है, ईरान उसको पसंद नहीं करता है, लेकिन उनको भी चीन की गोद में बिठाने को मजबूर कर रहा है। जैसे कुछ समय पहले मैंने इस पर वीडियो किया था कि किस प्रकार से रशिया को अमेरिका सैंक्शंस लगा लगा कर रूस जैसी एक महाशक्ति को
चीन की गोद में बैठने के लिए विवश कर रहे हैं, क्योंकि आर्थिक रूप से इतनी कमर तोड़ दो कि उनके पास कोई विकल्प नहीं बचे। अब देखिए कि ये जो मूर्खता हो रही है ना, इसकी वजह से क्या होगा, अमेरिका को दोहरा नुकसान हो रहा है, तो वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स खोता बैठेगा। अभी कुछ दिन पहले ही आया कि ऑलरेडी चाइना की जो नेवी है, जो उसकी नौसेना है, अमेरिका से ज्यादा बड़ी हो चुकी है। जो अभी युद्ध पोत बन रहे हैं उसमें भी वो ज्यादा बना रहा है अमेरिका के मुकाबले। हालांकि ये बात सच है क्योंकि टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, अमेरिका की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, लेकिन अमेरिका जो सर्वाइव करता है बेसिकली ऐसे बड़े पावर्स के खिलाफ भी जंग रखने की कैपेसिटी रखता है, जैसे पहले यूएसएसआर के समय भी रखता था, वह बेसिकली अलाइज की बदौलत करता है। और यदि इस तरह से यूएसए अलाइज को खोता बैठेगा, या जो अभी अलाइज नहीं है उनको दूसरे का अलाई बनने पर मजबूर करेगा, जैसे इन केस ऑफ रशिया और इन केस ऑफ ईरान, तो उसका नुकसान कैसे होगा आप समझ सकते हैं। फिर इवन जो डॉलर डिप्लोमेसी है यूनाइटेड स्टेट्स की, कि जो सैंक्शन लगाने की बार बार जो होता है कि अलग अलग देशों के ऊपर सैंक्शन लगा देते हैं, उसको भी एक झटका लगेगा, उस ताकत को भी, क्योंकि बहुत समय से दुनिया के अलग अलग देश डॉलर से बाहर निकलने का अलग अलग रास्ता ढूंढते रहे हैं। इसमें सबसे पहले यदि किसी ने कोशिश की, कुछ हद तक कामयाबी रही, वह था यूरोपियन यूनियन, जब उन्होंने यूरो लाया। उसके बाद ये कोशिश की रूबल के माध्यम से, जो इतनी सफल नहीं हो पाई रशिया ने, और अभी चाइना भी वही कर रहा है। अब चाइना चूंकि एक दुनिया की सेकंड नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो जिसके ऊपर भी अमेरिका सैंक्शन लगाएगा वह चीन के पास जाएगा। तो अमेरिका को सैंक्शंस लगाने के पहले 100 बार सोचना चाहिए कि सैंक्शन का ओवर यूज तो नहीं हो रहा। एक दोस्त की तरह, एक अलाई की तरह मैं ये बात कह रहा हूं बार बार, क्योंकि आप ये देखिए ना कि जब सैंक्शंस लगे थे ईरान के ऊपर, तब भी चाइना जो है वह उससे तेल खरीदता रहा। किस तरह से खरीद रहा था, वो पहले वो ऐसी कंपनीज के माध्यम से खरीद, पहले ऐसी कंपनीज जो अननोन कंपनीज हैं वे ईरान से खरीदती रही, और उनसे फिर चीन खरीदता रहा। वो खुला खेल फरुखाबादी था, सब समझ रहे थे कि चाइना जो है वह ईरान का तेल खरीद रहा है। अब देखिए ये 25 वर्षीय कॉपरेशन जो प्रोग्राम जो इन्होंने किया है, उसमें $280 अरब जो है चीन लगाएगा ईरान की ऑयल गैस और पेट्रोकेमिकल सेक्टर के विकास के लिए, और $120 अरब का इन्वेस्टमेंट करेगा ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो एक बड़ी रकम है, और वह मैं चाहे अभी अखबार नहीं कह रहे, लेकिन मेरा एनालिसिस है कि चीन का जब निवेश आता है तो केवल निवेश ही नहीं आता है, उसके साथ उसकी जो डिजिटल सिल्क रोड है वह भी आता है, और वह उसके जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उससे भी ज्यादा खतरनाक है। एक आध दिन उसके मैं अलग वीडियो करूंगा पूरे एनालिसिस के साथ। अब इसके बदले में चाइना को क्या मिलेगा? चाइना ने 25 वर्ष के लिए, आधी सदी के लिए अपने आप के डेवलपमेंट के लिए एनर्जी का पूरा की पूरा व्यवस्था कर ली। अब यह है कि पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वह उसको लगभग 12% कम की दर पर मिलेगा मार्केट रेट से, और गैस की सप्लाई 8% कम पे मिलेगी। तो आप ये समझ रहे हैं कि चाइना किस दिशा में जा रहा है और अमेरिका जो है क्या कूटनीतिक मिस्टेक्स कर रहा है। मुझे तो ये लगता था कि इवन जो बाइडेन के आने के बाद जो ईरान न्यूक्लियर डील थी उस पर काम शुरू होगा, लेकिन उन्होंने भी ये बात करना शुरू की कि वो सिंक्रोनाइज्ड मैनर में दोनों कंट्रीज बात करेंगी, और उसके बाद धीरे धीरे सैंक्शंस हटेंगे, जिसको ईरान ने मना किया और चाइना ने उसकी बैकिंग की। और आप देखिए कि चाइना किस प्रकार से एक्सपांशन कर रहा है मिडिल ईस्ट के रीजन में, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, यहां तक कि फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में कह रहा है चाइना कि हम उनके बीच में शांति की प्रक्रिया करेंगे, और अमेरिका के कारण वहां पर पीस और डेवलपमेंट को नुकसान हुआ है। ये बात कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। चाइना इसराइल का भी बहुत अच्छा मित्र है। मित्र क्यों है? क्योंकि जो उनकी हाईटेक कंपनीज है उस पर उसने बहुत बड़ी राशि का निवेश कर रखा है। तो इसराइल भी दोनों को बैलेंसिंग एक्ट करता है अमेरिका के साथ, उसकी स्ट्रेटेजिक जरूरतें हैं, स्ट्रेटेजिक मजबूरी है, और चीन के साथ उसकी इकोनॉमिक मजबूरी है। लेकिन यदि इस क्षेत्र में, मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में चाइना एक्सपांड करता है, तो एट द कॉस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स होगा, क्योंकि उसी का अभी तक नेतृत्व वहां चल रहा था। और जब ईरान आता है तो ये बात याद रखिए कि ईरान कभी अकेला नहीं आता, ईरान के साथ पूरी की पूरी किटी आती है। कैसे आती है? सीरिया आता है ईरान के साथ, एनीवे सीरिया जो है वो रशिया के साथ है, तो रशियन और
चाइनीज एक साथ अभी सिंक्रोनाइज दिख रहे हैं, क्योंकि रशिया को भी खूब पिटाई की जा रही है अमेरिका के द्वारा, खूब सैंक्शन लगाए जा रहे हैं। तो जब पैसा नहीं होगा तो जो पैसा देगा उसके पास रशिया जाएगा, इन दैट केस चाइना को फायदा मिल रहा है उसका। फिर आज इराक में अमेरिकन फोर्सेस बैठी हैं, कल तो निकलेंगी, जब निकलेंगी तो फिर ईरान का जो इन्फ्लुएंस इराक पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, फिर वो चाइना की तरफ जाता है। फिर लेबनान, लेबनान में डेफिनेटली ईरान सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर है, उस वो एक किटी में आता है साथ में। फिर यमन, यमन की जो वॉर चल रही है, जिस तरह से चल रही है, हम देख रहे हैं हुतीस के साथ और सऊदी के साथ, तो उसमें भी ईरान का बहुत बड़ा रोल है। तो आप देख रहे हैं चीजें किस दिशा में जा रही हैं, और अमेरिका की जो थिंक टैंक्स हैं, जिनको मैं मूर्ख कहता हूं कि जो मूर्खता के काम करते हैं, उनकी जो पॉलिसीज है उसकी वजह से एक्सपांशन हो रहा है चाइनीज इन्फ्लुएंस का। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ईरान को एक ऑब्जर्वर स्टेट से एक परमानेंट मेंबर स्टेट का भी दर्जा मिल जाएगा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। अभी 8 परमानेंट हैं, अब 9 हो जाएंगे। तो इससे फायदा किसको हो रहा है, आप ये सोचिए, इससे फायदा केवल चीन को हो रहा है। देखिए इस पूरे मसले में हर किसी ने कुछ ना कुछ गवाया है। ईरान ने कहीं ना कहीं अपनी ऑटोनॉमी को गवाएगा डेफिनेटली, क्योंकि चाइना जब इंटरफेयर करता है तो किस प्रकार से करता है हम सब जानते हैं, लेकिन ईरान को पैसा मिलेगा। फिर इसराइल की जहां तक बात है, इसराइल ने भी बहुत कुछ स्ट्रेटेजिक लॉस होगा चाइना के ईरान में आने की वजह से, क्योंकि फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा उस पर इसराइल टारगेट नहीं कर पाएगा, वरना इट विल बी कंसीडर्ड एज अ एक्ट ऑफ वॉर अगर उसमें कुछ चाइनीज वर्कर्स मारे जाते हैं, चाइना के लोग मारे जाते हैं। फिर आप ये भी देखिए, जो ऑलरेडी नेवल एक्सरसाइजेस चाइना और ईरान साथ कर रहे हैं, और इस एग्रीमेंट में उसको भी जो डिफेंस और इंटेलिजेंस शेयरिंग की चीजें हैं उसको भी बढ़ाने की बात हुई है, तो उसका अमेरिका के दूसरे अलाइज को भी नुकसान होगा। लेकिन इसमें फायदा किसको हो रहा है, केवल और केवल अमेरिका को तो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, केवल और केवल इसमें और किसी को नहीं, लेकिन चीन को फायदा हो रहा है। भारत को क्या नुकसान हो रहा है, देखिए चीन का प्रबल होना हमारे लिए अच्छा नहीं है। अफगानिस्तान की भी बात करें यदि हम, तो अफगानिस्तान के नॉर्थ में आता है ईरान और साउथ में आता है पाकिस्तान। अब आप बताइए कि जब पाकिस्तान में ऑलरेडी चीन बैठा है, पाकिस्तान तो क्लाइंट स्टेट है चाइना का, अब ईरान भी यदि क्लाइंट स्टेट बनता है तो अमेरिकन विड्रॉल के बाद डेफिनेटली अफगानिस्तान भी क्लाइंट स्टेट बन जाएगा। तो आप ये देखिए कि हमारा भी नुकसान है, अमेरिका का भी नुकसान है और अलाइज का भी नुकसान है। तो मैं तो जो लोग अमेरिका में मुझे देख रहे हैं, ये बात अपने सेनेटर्स को, अपने कांग्रेसमैन को बताएं, कांग्रेस वीमेन को बताएं कि किस तरह की ये थिंक टैंक्स हैं और किस प्रकार की पॉलिसी बना रहे हैं। क्यों आपने रशिया को धकेल दे रहे हैं, चीन की गोद में बैठने के लिए मजबूर कर रहे हैं, क्यों आप ईरान को ऑलरेडी धकेल चुके हैं चाइना की गोद में बैठने के लिए, अब क्यों आप सऊदी को मार रहे हो, अब क्यों आप यूएई को मार रहे हो। यदि ऐसा करते रहे तो आप अकेले पड़ जाओगे, और ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ना मतलब एक सभ्य दुनिया के लिए घातक खतरा है। मैं आपको विशेषकर जो अमेरिकन्स मुझे देखते हैं बहुत सारे, उनको कहता हूं कि ये बात समझाएं अपने कांग्रेसमैन कांग्रेस वीमैन को। जय हिंद, जय भारत।